हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड कैसे हैं आप दोस्तों? परसों मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें कि मैंने लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात की थी। तो मुझे कल एक मेल पे क्वेश्चन आया था कि ये लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे क्लैरिफिकेशन दीजिए कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा समझ रहे हैं आप कि सर्दी का असर है, अब सीज़न चेंज हो रहा है, इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ये क्वेश्चन कल का था तो मैं आज सुबह सुबह इसका आंसर बना रही हूँ। क्योंकि लॉ ऑफ डिटैचमेंट का मतलब, हमें डिटैचमेंट में क्यों प्रैक्टिस करना है, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो ट्विन होता है, हमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है उसकी, एक्सट्रीम डिज़ायर, मोर देन एनी थिंग। दुनिया का पैसा एक तरफ और ट्विन की चाहत एक तरफ, इतनी ज़्यादा डिज़ायर होती है, और जिसके कारण से हम इस जर्नी पे मेहनत करने के बाद भी ये जर्नी को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को हम लीक करते रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि एक्चुअली हमें अपनी एनर्जी को लीक होने से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वरना आप को ये जर्नी में आपके डीएम को तो एनर्जी मिलती रहेगी और आप उनकी अवेकनिंग नहीं होएगी, और उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, उनका रीबर्थ प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि ये जर्नी सिर्फ ऐसे ही चलती जाएगी, वो भी स्टक रहेंगे एंड आप भी स्टक रहेंगे। तो बेटर है कि पहले हम ये समझें कि कहाँ कहाँ हम अपनी एनर्जी को हम लीक होने से बचा सकते हैं। अब कैसे बचाएं, उससे पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है आपको कि दिस इज़ द ट्विन सोल जर्नी, ठीक है। आप इस सोल वर्ड को कभी भी अलग मत करिए, क्योंकि तभी जाके जब हम ये ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं तो हम अपने माइंड से ये भूल जाते हैं कि ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। और सोल मतलब कि सबसे पहले आपको खुद को सोल समझना है। तो इफ़ यू आर सोल, तो ये जर्नी माइंड से चल नहीं सकते, ठीक है। कि आप चाहो कि आप माइंड से कोई स्ट्रेटेजी बना लो और हम उनको बता दें कि हम इस जर्नी पे हैं, हम ये ऐसा कुछ करके उनको अट्रैक्ट कर ले, तो ये माइंड से चलने वाली जर्नी नहीं है। या आप लगातार ओवर थिंकिंग करते रहें कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, या आप दिमाग से सोच रहे हैं कि देखो वो तो थर्ड पार्टी में लगा हुआ है और मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और जिन लोगों को समझ में नहीं आती ना ये जर्नी, वो सिर्फ कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डीएफ की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और डीएम थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे हैं। तो आप अगर इसी पर ही स्टक रहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएम की तो अवेकनिंग छोड़िए, आपकी अपनी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ जज करने में ही लगे रहोगे और अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे। अगर ये मान लीजिए कि आपको 3D के ब्रेन से ये लग रहा है कि डीएम तो मज़े कर रहा है और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो आपको क्या, आप अपने आप को आगे एक्सप्लोर क्यों नहीं करते, अपने आप को इवॉल्व क्यों नहीं करते हैं, क्यों लगे हैं आप सिर्फ डीएम के ही पीछे? अब अपने आप को अपग्रेड कीजिए, आफ्टर ऑल ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी तो है। तो आप ये देखिए ना कि मेरा डिवाइन से अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं, और जब आप डिवाइन से अलाइनमेंट करते हैं तो ये जो आसक्ति होती है, जो ये एक्सट्रीम डिज़ायर होती है, ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट आप जो ये ब्लेम करते हो ना कि डीएम के कारण से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ये आप ब्लेम करना भी आपका ख़त्म हो जाता है। आपको समझ में आता है कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर बेस्ट, जो भी हुआ आपके लिए अच्छा हुआ, और जो भी हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी आपके लिए अच्छा होगा। गीता का ये आपने सुना है ना, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, डिवाइन यूनियन के बाद, आज सवेरे मैं सेशन में यही बता रही थी कि हमको नहीं पता चलता है कि हमारी टॉक्सिसिटी अभी कम्प्लीटली रिलीज नहीं हुई है। जब तक हमारे अंदर, मार्क माय वर्ड, जब तक हमारे अंदर रेसिस्टेंस है कुछ चीज़ों को लेके, तब तक अभी आप पूरे प्योर नहीं हुए हो, ठीक है। खुद से देखो कि क्या मैं सबको अनकंडीशनल लव करती हूँ, क्या कहीं कोई खिंचाव तो नहीं है, कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। आज भी ये तो नहीं सोचती हूँ कि डीएम मुझे, मैं ही क्यों मैसेज करूँ, वो क्यों नहीं कॉल कर रहा है। अगर ये छोटी सी भी सोच आपके अंदर है ना, तो अभी आपके अंदर रेसिस्टेंस है, मतलब अभी आपके टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो पहली चीज़ तो समझने वाली ये है लीक होने से पहले कि ये जर्नी आपकी है, आपको खुद को इवॉल्व करना है, अपने सारे अंदर के रेसिस्टेंस, ब्लॉक्स एंड बैरियर्स को रिलीज करके बिल्कुल एक प्योरेस्ट फॉर्म में आना है, जो किसी को जज नहीं करता है, जो किसी को कभी कर्ज नहीं करता है, जो किसी को कभी बुरा नहीं बोलता है, ठीक है। अब आगे की बात कि कहाँ कहाँ आपकी एनर्जी लीक होती है
और क्यों हम इस एनर्जी लीक को इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं. यू नो वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज. अगेन मार्क दिस सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आप सेपरेशन स्टेज में हो या आप एक मिनी यूनियन में हो भी, बट क्योंकि आपकी अच्छी बहुत कम्युनिकेशन बैरियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक से हील नहीं हुआ है, आप मिस कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप डीएम की पिक देखते हो, या आप पिक देखते हो, या आप लास्ट सीन देखते हो, या आप उनका स्टेटस देखते हो. आपको लगता है कि मैं तो उसको कॉल ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट अगर बहुत तेज़ याद आ रही है तो आप पिक देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, और अब मान लीजिए कोई स्टेटस उसने नहीं डाला तो आप डाल के अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट फ्रॉम योर स्टेटस, ठीक है, या आप अपनी कोई ऐसी पिक लगा के उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो. तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आप उनको एनर्जी ही दे रहे हो, बिकॉज आपका पूरा का पूरा फोकस बस किसी प्रकार से डीएम तक पहुंचना या डीएम को पाना ही है, ठीक है. तो ये एक प्रकार से एनर्जी लीक करना ही है. और चलिए ये कुछ नहीं कर रहे तो आपको याद आ रही है तो आप पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, हमारी पुरानी चैट्स, वो भी अगर आप डिलीट कर दिया या नहीं है तो आप उसके पसंद के गाने सुन रहे हैं या बहुत ज़्यादा फिल्मी गाने, इमोशनल गाने, और वो सुन के आप उनको अज्यूम कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उनको एनर्जी भेजती हैं, ठीक है. यहाँ तक कि आई एम अगेंस्ट द मैनिफेस्टेशन, क्योंकि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्विन फ्लेम इट मीन्स कि यू आर सेंडिंग द एनर्जी ऑफ लैक कि मेरे पास वो अभी नहीं है, ठीक है. और आप मैनिफेस्ट वही करते हो जो आपके पास नहीं होता है, जो आप पाना चाहते हो, एंड इन अदर वे आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको विजुलाइज कर रहे हो, उनको सोच रहे हो, तो आप उनको अपनी एनर्जी भेज रहे हो, ठीक है. सो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डोंट कंसिडर इट इज़ लाइक सोलमेट रिलेशनशिप, जहाँ पर लड़का लड़की प्यार करते हैं और ऐसे कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपनाते हैं टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना. तो वहाँ पर काम चल भी जाए बट यहाँ पर काम नहीं चलेगा. दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी. स्पिरिचुअल मतलब कि जब तक आपने अपने आप पे काम नहीं किया है, आप जितने हाथ पैर मारना है मान लीजिए वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे. एंड दिस इज़ मिस्टिकल जर्नी, ठीक है. तो इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, और केयरफुल रहने के बस दो तीन ही टिप हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैं बता देती हूँ आपको, कि सबसे पहले इसको कोई कमेंट बॉक्स में लिख दे, टाइप कर दे, टाइम स्टैंड भी डाल दे तो और भी अच्छा रहेगा. लिख दे मतलब आई मीन टू से कि आप ये समझ लीजिए कि आपका पर्पस सिर्फ मेरी यात्रा पूरी करना है. मैं ये नहीं बोल रही कि आपका यूनियन नहीं होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए, यूनियन करना होगा, यूनियन हमारा पर्पस है, हमें यूनियन में आना ही है क्योंकि हमें मदर अर्थ को नर्चर करना है, हमें यूनियन में आना ही है क्योंकि हमें मदर अर्थ को सर्व करना है मिलके. तो यूनियन इज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बट जब तक आपने ये यात्रा पूरी नहीं करी है तब तक आप ये सोचिए कि मुझे अपने आप को एलिवेट करना और अपने आप को अवेकन करना, अपने आप को प्योर करना, अपने आप को कंप्लीट ग्राउंडेडनेस की स्टेज में लेके आना, अपनी कंप्लीट ईगो डेथ की स्टेज तक लेके आना, और अपने आप को गॉड की एनर्जी मतलब अनकंडीशनल लव की एनर्जी तक लाना आपका पहला सोल पर्पस है, ठीक है. उसके बाद जब आप इस स्थिति पे आ जाते हो, जब इस लेवल का आपका माइंड सेट हो जाता है, तब मैं आपको शर्ट लगा के कह सकती हूँ कि फिर आप उसकी फ़ोटो भी होगी ना, उसके स्टेटस भी होंगे, तो ना तो आपको देखने का मन करेगा और अगर दिख भी गए तो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इतने बैलेंस हो चुके हो, ठीक है. इस स्टेज तक आते आते आप इतने बैलेंस हो जाते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे याद जो आ रही है ना आपकी डीएम की, वो याद आने का अर्थ होता है दैट यू आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. अभी भी आपके टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हुए हैं. मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ जिसको अभी भी याद आती है ना, उसके अभी भी टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हुए हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की डिवाइन फेमिनिन हो. ये बात सच है कि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है. एक भी दिन पॉसिबल नहीं है कि आपको याद ना आए, आई मीन टू से कि वो आपको एकदम से उनका एक थॉट ना आए.
सुबह उठने के बाद, रात में सोने के टाइम पे, दिन में कई बार उनका थॉट आता ही है, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा का हिस्सा है. मीन्स बोथ ऑफ यू आर द सेम कॉन्शियसनेस. 5D में आप लोग एक ही हो तो आपको थॉट तो बिल्कुल आएगा, बट याद आना खत्म हो जाती है. क्योंकि क्यों खत्म हो जाती है, अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि फिर आपको अंदर से ये समझ में आ जाता है कि वी आर वन, हम ऑलरेडी एक हैं, हम ऑलरेडी एक हो चुके हैं. ये इस बात की आपको अंदर से एक सुकून की फीलिंग आती है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो जहाँ से मैं समझती हूँ कि कब इंसान को याद आना बंद होती है, जब उसके अंदर ये सुकून हो जाता है कि वो भले ही मुझसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम दोनों एक ही हैं. वी आर सेम इन, सिर्फ सुनने के लिए नहीं कि वी आर सेम कॉन्शियसनेस, वी आर सेम सोल एसेंस, मे बी वी आर सेम ब्लूप्रिंट, नहीं. आपको अंदर से ये फील होता है कि हम लोग ऑलरेडी एक हो चुके हैं, चाहे वो आपसे बात कर रहा हो या नहीं कर रहा हो. आपको अंदर से ये एहसास, ये सुकून, ये आभास, ये इंट्यूशन, ये महसूस होने लगता है कि हम लोग ऑलरेडी एक हो चुके हैं, अभी और क्या एक होना है. तो उस लेवल पे जब आप आ जाते हो, आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, फिर अगर बाय चांस स्क्रॉल करते करते उनकी फ़ोटो सामने भी आती भी है ना, आपको कोई ना तो फ़र्क पड़ता है और ना ही आपकी एनर्जी जाती है. बट ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप इस स्टेज तक नहीं आए हो, दिस इज़ द जर्नी ऑफ पोलैरिटी. चेजिंग एनर्जी, पुशिंग एनर्जी वर्क करती है जब तक कि आप कंप्लीट बैलेंस में नहीं आए हो, इसे मैंने बताया है. तो फर्स्ट मेक श्योर कि क्या आप कंप्लीट बैलेंस हो चुके हो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है. अगर नहीं हुए हो तो फर्स्ट प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड स्टॉप लीकिंग योर एनर्जी. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.